अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती तो नहीं माने तो इस रोड का चक्का जाम कर दिया जाएगा। सितंबर को अब हम पहुंचेंगे दिल्ली और अपने पूरी जी जान लगा देंगे, सरकार से कोई लड़ाई भी लड़नी है वो भी हम लड़ेंगे। सरकार के कानों में जू नहीं चल रही है और अब हमारे समाज ने एक फैसला ले लिया कि अब लड़ाई रोड से और संसद तक होगी। ऐसा है, ये पंडाल तो एज इट इज रहेगा और पूरे देश का पूरे विश्व का यादव इकट्ठा होकर ये लड़ाई जितनी लंबी चले हम चलाएंगे। पर बड़ी शर्म की बात है कि सरकार का एक नुमाइंदा ने यहाँ कर नहीं पूछा। वोट का बहिष्कार आने वाले मेयर चुनाव में भी होगा, पार्षद चुनाव में होगा, और जो कौम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इनसे समर्थन मांगेंगे और पुरजोर अपील करेंगे कि गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से ये मानी जाए। अगर वो ये बात नहीं मानेंगे तो इनके घरों पर घेराव किया जाएगा और आने वाले चुनाव में इनका बहिष्कार किया जाएगा। अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर लगातार यादव समाज के लोग सड़कों पर हैं। आज खेड़की दौरा टोल टैक्स पर आ चुके हैं। 23 सितंबर को दिल्ली जाम करने वाले हैं। अरुण यादव के नेतृत्व में आज टोल पर यह प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ इनका कहना है अरुण जी? तारीख भी नजदीक आ रही है दिल्ली घेराव करने की। बिल्कुल बिल्कुल, आज आप देखना है इसको, टोल को फ्री कर दिया जा रहा है अहिर रेजिमेंट के लिए, घंटे के लिए इस टोल को फ्री करने का काम कर रहे हैं और 23 तारीख को पूरी दिल्ली का जाम करने का कार्य हम लोग करेंगे। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो नहीं माने तो इस रोड का चक्का जाम कर दिया जाएगा। इस रोड का चक्का जाम कर दिया जाएगा। हमें शांति पूर्वक किस तरीके से ही रेजिमेंट के सदस्य ये लोग आज टोल टैक्स पर आए, टोल को एक घंटे के लिए फ्री कर रहे हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए किस तरीके से आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यादव समाज के लोग हैं। लगातार जो यादव समाज के लोग हैं जो अहिर रेजिमेंट को लेकर मांग कर रहे हैं, सेना में अहिर रेजिमेंट मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अब ये टोल टैक्स पर आ चुके हैं। खेड़की दौला टोल टैक्स पर आ चुके हैं और इनका कहना है कि हमने संयुक्त अहिर रेजिमेंट के जो संस्थापक सदस्य थे अरुण यादव जी से बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने बताया कि ये एक घंटे के लिए टोल को फ्री कर रहे हैं। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि यादव समाज के लोग हैं ये टोल को फ्री कर रहे हैं। यादव समाज के द्वारा रेजिमेंट की मांग को लेकर टोल टैक्स पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। एक घंटे के लिए टोल को फ्री कर दिया गया है। 23 तारीख को दिल्ली में ये लोग दिल्ली जाम करने वाले, चक्का जाम करने वाले। कुछ हस्तियां भी आई हमारे साथ, इनसे बातचीत कोशिश करेंगे किस तरीके से इनका क्या कहना है। आज आप आए हुए अहिर रेजिमेंट की मांगे लगातार बढ़ती जा रही है, क्या कुछ कहना चाहोगे? सर ये बड़ी शांतिपूर्वक अपनी डिमांड कर रहे हैं, अपने रेजिमेंट के लिए मांग कर रहे हैं। पर अब हम 23 सितंबर को, जो हमने पिछले 3-4 महीने पहले ही बता दिया, 23 सितंबर को अब हम पहुंचेंगे दिल्ली और अपने पूरी जी जान लगा देंगे, सरकार से कोई लड़ाई भी लड़नी है वो भी हम लड़ेंगे। सरकार आपकी मांगों को क्यों नहीं मान रही है, कहां पेच फंसा हुआ है? क्यों नहीं मांग रही ना कि हम बड़ी शांति वाली कौम है, अपनी शांति से बैठ के मांग रहे हैं। अब इनको हम बताएंगे कि थोड़ी सी शांति से हटके भी हम जब काम करते हैं तो हम मांग पूरी करानी कैसे जानते हैं। अगर सरकार आपकी मांग को नहीं मानती है तो आगे क्या रूपरेखा है, भविष्य में क्या कुछ करने वाले? भविष्य ऐसा है, ये पंडाल तो एज इट इज रहेगा और पूरे देश का पूरे विश्व का यादव इकट्ठा होकर ये लड़ाई जितनी लंबी चले हम चलाएंगे। अरुण जी लगातार 4 फरवरी से आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है लेकिन सरकार अभी तक मानी नहीं है बात। सरकार को हमें, जो हमने शांतिपूर्वक 6 महीने तक ये आंदोलन किया है, सरकार हमें कमजोर समझ रही है। आज हमारी मजबूरी हो चुकी है, जो हमारे बुजुर्ग जो 70-80 साल के इस बड़ी गर्मी में, बड़ी सर्दी में बैठ कर यहाँ तप कर रहे थे अहिर रेजिमेंट के लिए, सरकार के कानों में जू नहीं चल रही है और अब हमारे समाज ने एक फैसला ले लिया कि अब लड़ाई रोड से और संसद तक होगी और आने वाले समय में इन सभी रोडों को जाम कर दिया जाएगा। और अब आप देखना कि 23 तारीख को दिल्ली जाम करने का कार्य करेंगे और फिर पूरे हरियाणा को जाम कर देंगे। जय यादव, जय यादव, जय यादव, जय यादव, जय यादव, जय यादव, जय यादव। यादव समाज से कुछ राजनीतिक बड़े बड़े नेताएं भी हैं तो
क्या कुछ समर्थन मिल रहा है, क्या कुछ उनका ये है? सरकार यादव का कुछ समझ ही नहीं रही है, चाहे अब पहले की सरकार हो चाहे अब की सरकार हो, ये हमारे अहिर रेजिमेंट का मुद्दा 50 साल पुराना हो चुका है और इसको नियंत्रण हमारे नेताओं ने भी उठाया है और हमारा समाज पिछले 40 साल से इस चीज की मांग कर रहा है और 4 तारीख से नियंत्रण धरना चल रहा है। पर बड़ी शर्म की बात है कि सरकार का एक नुमाइंदा ने यहाँ आकर नहीं पूछा कि आप ये वोट की, अगर इस दक्षिण हरियाणा में सरकार किसी की बदौलत बनी है तो वह हीरो की बदौलत बनी है और फिर भी सरकार हमें समझ में आने वाले समय में इस सरकार को भी जवाब देने का कार्य यही समाज करेगा। यादव समाज क्या आने वाले मेयर चुनाव में वोट का बिल्कुल वोट का बहिष्कार आने वाले मेयर चुनाव में भी होगा, पार्षद चुनाव में होगा और जो कौम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और मैं इस मीडिया के माध्यम से अपने सभी यादव भाइयों को वो करना चाहता हूँ जो ये नेता और ये मेयर और ये पार्षद बने घूम रहे हैं, जो अपने कौम के लिए संघर्ष नहीं कर सकते, अपने मान सम्मान के लिए संघर्ष नहीं कर सकते तो आपका क्या भला करेंगे, इनका बहिष्कार करो। अगर ये तो ये आपके लिए रोड पे उतर के लड़ाई लड़े, वरना इनका बहिष्कार करने का काम ये यादव समाज करेगा। तक सरकार नहीं मानेगी, हाई रेजिमेंट नहीं बनाएगी, लगातार हमारा धरना चलता रहेगा वो पूरे इंडिया के अंदर एक एक यादव 23 सितंबर को और हम यहाँ पहुँचेगा जंतर मंत्र पर। और जब तक सर दिल्ली पहुँचने से जो आपकी रेजिमेंट है उसकी क्या मिल जाएगी, क्या उसको शामिल कर लिया जाएगा? दिन मांग उठाएंगे तभी तो सरकार सुनेगी, जब मांग उठाएंगे तो सरकार सुनेगी। यादव समाज के तमाम बड़े बड़े नेता हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री ले लीजिए चाहे राज्य सरकार में ले लीजिए, उनकी तरफ से क्या कुछ आश्वासन है, क्या अगर वो आपके साथ नहीं आते हैं तो आने वाले चुनाव में क्या उनका बहिष्कार किया जाएगा? पूरा देश यादव समाज जब इस हाई रेजिमेंट के लिए उठेगा तो हमारे नेता अपना आप समझ में आ जाएगी, उनके प्रधानमंत्री के भी समझ में आ जाएगी। नेता किससे बनते हैं? जनता से बनते हैं। अगर जनता ही उनको उनसे खुश नहीं होगी तो उनको मानना पड़ेगा, आएंगे उनके हमारे। एक तरफ मान लीजिए सरकार आपकी मांगे नहीं मान रही है, आप नहीं मानेंगे तो हमारा नेता है वो आपका समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो क्या आने वाले चुनाव में आप उनका समर्थन यादव समाज करेगा या उनको बायकॉट करेगा? उनका बायकॉट करेगा, समर्थन नहीं करेगा। जो हाई रेजिमेंट को पूरा करने की आश्वासन देगा उन्हीं नेताओं को वोट दिया जाएगा और उन्हीं का समर्थन किया जाएगा। आप बताइए सर, लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है तो सरकार आपकी मांगे मान नहीं रही है, तो क्या लगता है कि जो आपकी रेजिमेंट की मांग है उसको माना जाएगा या फिर धरना प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा? देखिए, ये 4 फरवरी 2022 से यह धरना प्रदर्शन चल रहा है और अपने यादव कौम की अहिर रेजिमेंट की बहुत पुरानी डिमांड है और अहिरों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, जो कौन से भी युद्ध हो उसमें सबसे ज़्यादा बलिदान अहिरों ने दिया है और इनकी जायज भी है। जो भी केंद्र के मंत्री थे वो जो आए, इंदिरा इंद्रजीत जी आए, सुधा यादव आई, भूपेंद्र यादव जी आए, ये अपने हुड्डा साहब दीपेंद्र जी आए, सब ने ये माना है कि इनकी जायज मांग है, इनकी होनी चाहिए। और आज एक बता दूं कि पूरा भारतवर्ष में हर 5वां यादव कौम का साथी है और सबसे ज़्यादा बलिदान जो बॉर्डरों पर मरे हुए हैं, शहीद हुए हैं, अब तक सबसे ज़्यादा यादवों की बलिदान है। और ये पुरजोर अपील है, इनकी जायज मांग इन्हें मांगनी पड़ेगी। अगर ये मांग नहीं मानते हैं, आप देखना दक्षिण हरियाणा ही कांग्रेस की ये सरकार जो बनाता है तो दक्षिण हरियाणा बनाता है, जो किसी भी कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, जिसकी तरफ यादव हो जाता है दक्षिण हरियाणा हो जाता है, उसी का राज बनता है। और आने वाले दिनों में अगर ये नहीं बने, अगर इन्होंने ये रेजिमेंट नहीं मानी, अगर इन्होंने ये हमारा जो डिमांड है नहीं मानी, तो आने वाले 24 जो है, चाहे MP का चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव, उसके अंदर नतीजा इन खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यादव समाज के 3 कद्दावर नेता हरियाणा से, भूपेंद्र यादव, राव इंद्रजीत सिंह और सुधा यादव, इन तीनों की तरफ से क्या कुछ आश्वासन मिला है, इनका क्या कुछ कहना है? ऐसे है, धरना पे सभी आए थे और उन्होंने इनका समर्थन भी किया था, बल्कि दीपेंद्र हुड्डा तो लोकसभा के अंदर बहुत पुरजोर मांग भी करी थी। और ये अब इन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है पार्लियामेंट्री की, बोर्ड के मेंबर बनाए भूपेंद्र यादव, सुधा यादव, अब हम तो ये कह रहे हैं कि 23 सितंबर के बाद इनके घर पे मकान पे ऐसा इनका घर से निकलना दुर्भर हो जाएगा, सारे यादव को इनके घर पे जाके बैठेगी, अब उनसे जवाब मांगेगी। क्या जो केंद्रीय मंत्री हैं या बड़े बड़े आला नेता हैं यादव समाज के, क्या इनके घरों का कोई घेराव किया जाएगा? बिल्कुल कराया जाएगा,
ये तो बात है, अभी सभी को ये जाके घर घर जाके इनके कोठी पे जा करके निमंत्रण दे के आएंगे और इनसे समर्थन मांगेंगे और पुरजोर अपील करेंगे कि गृह मंत्री से प्रधानमंत्री से ये मानी जाए। अगर वो ये बात नहीं मानेंगे तो इनके घरों पर घेराव किया जाएगा और आने वाले चुनाव में इनका बहिष्कार किया जाएगा। देखिए, ये यादव समाज के कुछ लोग हैं, इनका कहना है कि जो चाहे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को ले लीजिए या राव इंद्रजीत सिंह को ले लीजिए या सुधा यादव को ले लीजिए, अगर ये इनकी मांगों का समर्थन नहीं करते, सरकार के समक्ष इनकी मांगों को लेकर नहीं जाते हैं और यही रेजिमेंट की मांग है जिसको सेना में शामिल कराने के लिए नहीं आवाज उठाते हैं, तो इनके घरों का घेराव किया जाएगा और इनके इनके इनका जो चुनाव होने वाला है उसमें इनका बहिष्कार भी किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि खेड़कीदौला टोल प्लाजा पर अही रेजिमेंट के सदस्यों के द्वारा टोल प्लाजा को तकरीबन एक घंटे के लिए मुक्त कर दिया गया। आप देख सकते हैं गाड़ियां किस तरीके से निकल रही हैं, बिल्कुल बिना टोल के गाड़ियां निकल रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह तो सिर्फ एक झलकियां दिखाई है ही रेजिमेंट के सदस्यों ने। अब देखने वाली बात होगी 23 सितंबर को दिल्ली में क्या कुछ करने वाले हैं। हरियाणा से इन्होंने आगाज कर दिया है। हम सरकार के नियमों के अधीन होकर के ही काम कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार का विध्वंस किया जाए। हम सरकार के हित में है, लेकिन सरकार हमारा हित तो सोचे। महाभारत युद्ध से लेकर आज 5300 वर्ष हो चुके हैं, आज तक जितनी भी सेना लड़ी है उसमें यादव सेना का नाम रहा है। कहीं से भी इतिहास कंगाल करके देख लीजिए, चाहे वो मुगलों का युग रहा है चाहे अंग्रेजों का रहा है, उसके अंदर अहिर सेना का जो है बहुत भागीदारी रही है। सरकार अब ये पेज तो यहाँ फंसा हुआ क्योंकि अंग्रेजों ने जो हमारे ऊपर शासन किया तो उन्होंने कुछ रूल्स बनाए थे कि अहिरों को ये हक नहीं देना, क्योंकि अहिरों ने अंग्रेजों की बात का जो है हमेशा जो सही निर्णय होना चाहिए सबको जवाब दिया है। और अंग्रेजों ने हमारे मानसिकता को ये समझा कि ये अगर ज्यादा अग्रिम हो गए तो हम हमारे यहाँ से जाना तय है। देश आजाद हुए तकरीबन 75 साल हो गए, लेकिन अंग्रेजों वाला रूल अब भी अपना जा रहा है भारत में इस तरीके से। यही तो कमी है हमारा देश में, जो हमें स्वतंत्र बोलते है ना, आज स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रही है सरकार, लेकिन मैं ये कहता हूँ सरकार अब भी आजाद नहीं है। ये 99 साल की लीज पर है और ये 99 साल पूरे करने का कोशिश कर रहे हैं। हमारी सेना के लिए भी क्या कर रही है ये सरकार, तो हम सोच भी नहीं सकते थे दिल्ली इस प्रकार से करेगी कि अग्निपथ योजना लेकर आई है। 4 साल में ना तो उसको पेंशन देना है, ना उसको मेडिकल देना, ना फैसिलिटी देना है। ये सारी चीजें हमारे लिए खत्म कर रही है। जो सेना होनी चाहिए, सेना के हर साइड से इन्होंने जो है उनका बेनिफिट था वो सब कट कर दिया। तो हम फिर भी हमें उसकी चिंता नहीं है, हमें केवल चिंता है कि कंधे पर नाम हमारा हो अही रेजिमेंट का। तमाम रेजिमेंट बनी हुई है, क्या उन सबको खत्म कर देना चाहिए? हाँ, या फिर आपको भी ये भी बात आपने बहुत सही कही है, क्योंकि या तो सभी रेजिमेंटों के नारे जो जातिगत आधार पर बने या क्षेत्रवाद के आधार पर बने हैं उनको सबको तोड़ो, वरना हमको भी जोड़ो, अही रेजिमेंट को भी जोड़ो। 19 रेजिमेंट है इस देश के अंदर, जो जाति के नाम से भी है, धर्म के नाम से भी। 20वीं बनने में कोई भी आपत्ति नहीं है और पार्लियामेंट के अंदर 20वीं रेजिमेंट का गजट भी पारित है, लेकिन सरकार की नीति नियत सही नहीं है। नीति नियत में खोट है। हीरो के साथ जो ब्रिटिश हुकूमत ने किया था वो ही 75 साल आजादी के बाद आज हिंदुस्तान की हुकूमत कर रही है। सुधारने की कोशिश करते हैं और आप लोगों के लिए हम नियंत्रण और आप लोगों के सहयोग से रेजिमेंट की आवाज हर जगह में आ जाएगा। वो अही रेजिमेंट नहीं बनेगी और अही रेजिमेंट के लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। तो आप लोगों ने जो सब लोगों ने मिलकर एक ताकत 23 तारीख को दिखाई थी, वो 23 तारीख की ताकत पूरे देश के अंदर गई थी और पूरे देश के अंदर मैसेज गया था। हम यूपी गए थे, बिहार गए थे, मध्य प्रदेश, वहां पर हमारे नेता राव इंदर सिंह वहां पर आए हैं। भूपेंद्र यादव ने कमिटमेंट किया और एक महान भाई अभी कह रहा था हमारी इस कमेटी का जो है महासचिव, आज उसको एक पद मिला हुआ है। उन्होंने आपको याद दिलाया कि आज एक बड़ी अच्छी बात है कि आपके क्षेत्र में डॉक्टर सुजय यादव को पार्लियामेंट बोर्ड का मेंबर बनाया।
पास कई सवाल उठ जाते हैं, क्या है वो मनोज ने अरुण ने आपको वैसे बताई दी। सवाल यह कि अभी 23 तारीख को पहुंच रहे हैं, आपको आपकी टारगेट होना चाहिए मछली के हाथ, आपका टारगेट होना चाहिए अहिर रेजिमेंट बनाने का, और अहिर रेजिमेंट कैसे नहीं बनेगी मांगी हार आ जाएगी। तुम समझते हो तुम्हारे पास कलकत्ता पटना और सभी छत्तीस बरादरी के सभी अहिर रेजिमेंट के पक्ष धरो, याद करो उस दिन को जब 4 फरवरी का दिन आपके यहाँ हवन कुंड में ये शुरुआत करके धरना दिया था, उस समय लोग कंबल में आया करते, सर्दी का टाइम था, सर्दी के बाद आप फिर उसके बाद गर्मी आई, 1400 तक गया, आज 7 महीने हो गए और ये निरंतर ये आपका तंबू और ये जिंदाबाद ये रेजिमेंट के मानदर जिंदाबाद करे बैठे हैं और सरकार के काम पे जो मेरे रही है, इसके लिए इन सरकार को शर्म की बात है कि ये कोई मांग गलत नहीं है, हम किसी का हक नहीं मांग रहे, 29 रेजिमेंट देश में चल रही है, जाति के नाम पर चल रही है, 1-2 क्षेत्र के नाम पर चल रही है, गढ़वाल कुमाऊं आसाम क्षेत्र के नाम पर चल रही है, जातियों के नाम पर चल रही है, 29 चल रही है, इसका तो कोई बड़ी बात तो नहीं है। इसमें हमारा सैनिक जैसा अभी मोती सिंह ने बताया, सैनिक हमारा पर है, सीमा के ऊपर पाकिस्तान से लड़े, चीन से लड़े, बांग्लादेश से लड़े, और जब वो मर गया तो उसके कंधे पर ही रेजिमेंट रही, कोई और रेजिमेंट लिखी बात पर दुख तो होता है, और उस दुख के लिए मिटाने के लिए ये अली रेजिमेंट की डिमांड है, और उस डिमांड के लिए लगातार धरना इतनी भारी करनी पड़ी है, जीवन तो बहुत भारी करनी है, सर्दी पड़ी है उसमें सब आप डटे बैठे हैं, सर्दियों में बात करता हूँ 23 तारीख की, 23 तारीख आपका वैसे भी जब आपका बहुत आपके आंदोलन चले भाई और कई साथी बताएंगे सारे मामले बताएंगे, 23 तारीख को जो रखा गया है राव तुलाराम शहीदी दिवस है, और उस शहीदी दिवस को आप अवसर को आप बताते हैं उसको पढ़ता किसी तरह राव तुलाराम के शहीदी दिवस को आप दिल्ली में जाकर के जो उसका दिखाओ, और जब आप दिल्ली में दिखाओगे तो आपकी बात आपके जो सरकार है जो आपके करने वाले हैं जो कान बंद करके बैठे हैं जो छोटी छोटी बात तो मेरा कान खो लेते हैं, लेकिन इस बहुत अच्छी सुंदर मांग के ऊपर कान में ढाका दिए बैठे हैं उनका कान तभी खुलेगा जब आप 23 तारीख को जंतर मंतर पर पहुंचेंगे। हो सकता है कि आपके बैन कर दिए जाए गांधी जी की, लेकिन आप किसी भी तरह पहुंचो, जंतर मंतर एक ऐसा गढ़ है माने इतने बढ़िया बढ़िया आंदोलन हुए, अन्ना हजारे जी ने जब देश बदल दिया था लोकपाल के लिए मांग हो गई थी, तो ऐसे ऐसा स्थान है जंतर मंतर, आपकी मांग मानी जाएगी, लेकिन आपने पहुंचना पड़ेगा भाई, पहुंचना पड़ेगा दम खम के साथ पहुंचना पड़ेगा, आज से मेहनत कर लो, कितनी अच्छी बात है हिसाब वाले ने 5 गाड़ी होनी कही है, क्यों नहीं 5 गाड़ी होगी मैं भी कहूं, मतलब जब तक आप जिम्मेवारी नहीं लोगे तो आप बड़ा मार पड़े गोने में भाई जाके मैं फायदा उसका मिलता है जब आपका आप जिम्मेवारी लेंगे और ये कहेंगे मैं अपने समाज के लिए कर रहा हूँ, ये अच्छी बात है, अब की बात चुप गए तो सारी उम्र फिर आपका मुंह दिखाने की उम्र फिर यही दोबारा करने इकट्ठे हुए, असल में तो ये श्राप आपने मिटाया है, ये गंधारिया श्राप तभी टूटेगा जब आप 23 तारीख को दिन रात देख करके 23 तारीख को अच्छी तरह से आप पहुंचेंगे। भाई मैं पूरी अपने तन मन धन से जान मार के मैं 5 गाड़ियां 4 गाड़ियां 5 गाड़ियां मैं तुमको ले रहा हूँ, धन्यवाद, जय जवान जय किसान साथियों, पर इस मामले को अपना समझ लो, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब। आज मुझे कुछ निराशा है पंचायत की वजह से या पता नहीं जो खता खती है भरा हुआ होता था पंडाल, आज हमारी संख्या कम हो सकती है, परंतु 23 तारीख को निर्मूलों की संख्या जंतर मंतर पे दिखा दो, तब आई रेजिमेंट मिलेगी, नई रेजिमेंट नहीं मिलेगी। हमारे सरपंच साहब भी इस
चीज के पक्षधर है, लेकिन हमारा समाज बड़ा सभ्य समाज है जो कि तरीकों से अनुरोध करता हूँ बड़े लंबे अरसे से ये लड़ाई चल रही है ई रेजिमेंट की हक को लेकर, ई रेजिमेंट की मांग को लेकर सेना में शामिल कराने के लिए, लेकिन अभी तक सरकार ने इनकी मांगे मानी नहीं है। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इनकी बात को मानती है या 23 जो सितंबर है उसको दिल्ली में ये चक्का जाम करने वाले हैं, उससे क्या निकलने वाला है। आपका आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया, कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या यादवों को जो रेजिमेंट का लड़ाई चल रही है उसको मान लेना चाहिए, सरकार को झुकना चाहिए, या इस बात को, इस मांग को नहीं मानती है तो सरकार को आने वाले चुनाव में इसका किस तरह क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अधिक जानकारी के लिए आप अभी फॉलो करें सिटी न्यूज 24। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत भार्गव के साथ मैं वीरू फौजदार, गुरुग्राम।